हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपके ही चैनल ड्रीम इलेवन डॉक्टर पे एक बार फिर से जो मैं चाहूँ इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वो होने वाला यहाँ पे आर वाई सीसी वर्सेज एनसी टी के बीच जो मैच होने वाला है इस मैच की वीडियो तो वीडियो के सिर कह रहा हूँ कि अच्छे से देखना न्यू टूर्नामेंट है और यहाँ पे बहुत बड़ा जैकपॉट मैच बोलो तो वो हो सकता है क्यों उसके पीछे रीजन है वो वीडियो में बताऊंगा तो इसलिए आपको कुछ बातों को ध्यान में रख के चलना है इस तो वीडियो को बिना स्किप किए देखना है क्योंकि हर एक सेकंड में कोई इंपॉर्टेंट बात होने वाली है और देन कल यहाँ पे सी टी के बहुत सारे मैचेस थे यहाँ पे पॉसिबली मैं शायद ये वाला मैच की वीडियो भी कवर करूँ तो बाकी जो नीचे मैचेस है कल तो आई थिंक सारे टी के मैचेस है तो कन्फर्म है कि मैं ये दो मैच कवर करने वाला हूँ और आपको इन दोनों को ध्यान से देखना वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है और आपको थोड़ा दिखा देता हूँ अभी रैंक मेरी टेस्ट मैच चल रहा था यहाँ पे काउंटी करके दो दिन हो चुके हैं यहाँ पे रैंक देख सकते हो मेरी बहुत क्लोज क्लोज आ रहा हूँ पूरे मतलब दो महीने से मेरी क्लोज़ रैंक आ रही है बहुत ज़्यादा मतलब आज मतलब आई होप मतलब एक आप वो नहीं कर सकते बिलीव बहुत क्लोज आके रैंक सिर्फ एक आधे प्लेयर्स की वजह से रह रही है और इस मैच की मैंने वीडियो भी नहीं डाली थी और मैंने कुछ भी नहीं डालता मैं वीडियो इसलिए नहीं डाल पाता क्योंकि वीडियो पे अच्छा सपोर्ट नहीं आता जितने मैं मेहनत करता हूँ उसके अकॉर्डिंग सपोर्ट नहीं आ पाता इसलिए मेरे को मैं सिलेक्टेड मैच है और आपको जो बिल्कुल सेफ मैच है से वही देता हूँ अगर आपको वीडियो पे अच्छा सपोर्ट वगैरह है तो मैं ऐसे आपको वीडियो डाल के दे सकता हूँ ग्रैंड लीग अगर आप चाहो तो बहुत अच्छे से विन कर सकते हैं इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो को कभी स्किप मत करो तो मैं होपफुली आपको बता रहा था वही बातें ठीक है तो आपको मैं ये कुछ बता रहा था चीजें लाइव दिखा के कि आपको वीडियो की इंपॉर्टेंस कभी लाइफ में भूलनी नहीं है क्योंकि वीडियो आज नहीं तो कल वो वाले मैच की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी लेक्चर स्टार्टिंग में थोड़ा लंबा हो गया बट एक आपके लिए लेफ्ट टाइम के लिए बहुत अच्छा एक लेसन मिल जाएगा आपको और उससे पहले हमारे YouTube चैनल पे नए आया तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत जरूरी है और आपको एक बार बता दूं मैं कि ये जो मैच हुआ था ये मैं खेलने में कोई इंटेंशन नहीं थी मैंने खाली लीग्स देखी थी और मैंने थोड़ा मैंने ऐसी देखा मेरा कोई इंटेंशन नहीं थी और मैंने देखी कि लीग्स खाली जा रही है तो मैंने फटाफट से डाल दी टीम और मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मेरे को जो जो प्लेयर के बारे में जितना पता था और मैंने वो बेस पे सारे प्लेयर की टीम बना दी और अच्छी रैंक चल रही है फिलहाल तो यहाँ पे बात करते हैं रैंक करते होप करे कि रैंक कौन आए वो वो तो बाकी लग पे डिपेंड करेगा यहाँ पे आते हैं उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर नया आया तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत जरूरी है जिसका नाम है ड्रीम इलेवन डॉक्टर आपको स्क्रीन पे नाम लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा ड्रीम इलेवन डॉक्टर और तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करने के दो तरीके फॉलो करने हैं सिर्फ वही तरीके फॉलो करने अदर आप अदरवाइज आप किसी गलत चैनल या ड्रीम इलेवन डॉक्टर के नाम से फेक चैनल से उस पर चले जाओगे तो आपको क्या करना है सबसे पहले आपको हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिखाई देगा उस पर क्लिक करोगे चैनल ओपन हो जाएगा और फिर आप उसे ज्वाइन कर लेना तो ये एक तरीका हो गया और दूसरा केस ये होता है अगर हमारा चैनल का लिंक मतलब टेलीग्राम चैनल का लिंक काम नहीं का करता लिंक के जरिए आप जुड़ नहीं पा रहे तो आपको करना क्या है ड्रीम इलेवन टेलीग्राम पर जाना है और यहाँ पे सर्च मारते टेलीग्राम पर आपको क्या करना है वहाँ लिखना है डी आर ई एम इलेवन डी ओ सी टी ओ आर सिंपली आपको ड्रीम इलेवन डॉक्टर लिखना है और आपको बारह हजार दो सौ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स वाला एक चैनल दिखाई देगा बारह हजार दो सौ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे और ग्रैंड लीग में रैंक वन की फोटो लगी होगी वही हमारा टेलीग्राम चैनल है तो फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो आपको सारी इंपॉर्टेंट और अपडेटेड टीम वही मिलने वाली है तो ये स्टार्टिंग वीडियो थोड़ी तो लंबी इसलिए भी तो कुछ बताना चाह रहा था आते हैं करते स्टार्ट यहाँ पे स्टेटस से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरी बातें होने वाली है तो स्टेटस पे इतना लेवल मत रहना बातें जो मैं कहूंगा उस पर ज्यादा फोकस करके रखना तो यहाँ पे आर वाई सीसी का जो स्टैट्स है वो ये निकल के जो लिमिटेड प्लेयर के स्टैट्स मुझे मिले वो ये है तो अभी आपको मैं बताऊंगा स्टैट्स में मैंने कुछ जैसे ये चीज मैंने ऐड करी है ये आपको कोई मेरे ख्याल से बताएगा नहीं तो आपको मैं जो बात बता रहा हूँ आपको ध्यान से सुन के चलनी है स्टैट्स सुनकर चलनेट्स बातें इंपॉर्टेंट रहेंगी तो इस स्टैट्स को आप रख के रखो अभी देस एनसीटी के मेरे पास जो स्क्वाड है वो ये है रिसेंट बेसिस पे मतलब ये 2019 के बेसिस पे जो स्क्वाड है ये भी हाँ ये 2020 वाला स्क्वाड है ये रिसेंट का बेसिस पे स्क्वाड है ये वाला एनसीटी का और दूसरा कुछ महीने पहले इनका एक कुछ महीने पहले नहीं बोलो आई थिंक कुछ एक दो 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 तीन हफ्ते पहले यहाँ पे कुछ मैचेस हुए थे यहाँ पे इनके ही मैचेस हुए थे एन सी टी वर्सेज़ पंजाब लॉयस करके एक टीम थी उसमें तो इनके कुछ प्लेयर मिक्स कर दिए गए हैं ये तब मैंने स्क्वाड के स्टैट्स निकाले तब के हैं तो आप यही भी रख सकते हो आपको हेल्प हो जाएगी तो जो इनमें प्लेयर्स अवेलेबल है वो रिसेंट में उनके मैचेस हो चुके हैं आई थिंक तीन हफ्ते से ज़्यादा हो गए होंगे और अगर कोई अगर रिसेंट स्टैट देख के बना रहा है अगर आपका अपोनेंट को नॉलेज नहीं है अगर आपका अपोनेंट ऐसी टीम बनाते हैं परसेंटेज देख के तो आप डेफिनेटली विन कर सकते हो अच्छा खासा क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा सा विन हो सकता है जैसे मैं बताने वाला वाले यहाँ पे आपका विकेट कीपिंग सेक्शन में चार ऑप्शन है आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन बताऊँ कौन है सबसे बेस्ट यहाँ पे है वाई खान जो भी रिसेंट जो टूर्नामेंट तूर्न, होता है उसमें ओपन कर रहा था और मतलब वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट बैट्समैन था आई थिंक इसने एक मैच में सेंचुरी भी मारी थी थी टी टेन मैच में दस ओवर के मैचेज में और इसका सिलेक्शन रेट देख पा रहे हो कि पच्चीस परसेंट है और इसके ज्यादातर चांस है कि ओपन करता दिख जाएगा <laughs> तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये मैच कुछ जैकपॉट टाइप का बन सकता है और जो रिसेंट टूर्नामेंट के अकॉर्डिंग अगर टीम उसी अकॉर्डिंग में खिलाती है और वहीं पे कुछ ऐसे प्लेयर परफॉर्मेंस कर ले तो आप बहुत अच्छा विन कर सकते हो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में तो मैं पे जा रहा हूँ वाई खान के साथ आप एग के साथ कर सकते हैं विकेट कीपिंग करता दिख सकते हैं और बैटिंग ऑर्डर में ख्याल से नीचे रहेगा और इतना इंपॉर्टेंट स्टैट्स है नहीं इसके लंबे स्टैट्स इतने ज़्यादा अच्छे है नहीं अगर देखोगे इसके स्टैट्स यहाँ पे इसका परसेंटेज के अकॉर्डिंग

देन यहाँ पे एस उलैसन की बात करें जो रिसेंट टूर्नामेंट था तो उसमें ये दो ओवर डाला करता था और मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करा करता था बहुत अच्छा प्लेयर है इसलिए बैटिंग सेक्शन में इसलिए इसको लेके जा रहा हूं क्योंकि ये बॉलिंग भी डाल लेता है इसलिए इसका पॉजिटिव पॉइंट ये रहने वाला है ये बॉलिंग डाल लेता है इसलिए मैं इसको मजूमदार के ऊपर प्रेफर कर रहा हूं बॉलिंग के बेसिस पे देन आता है यहाँ पर की टीम से आता है यहाँ पे देन नीचे और बताता हूँ नीचे तो एनसीटी की टीम से मेरे ख्याल से कोई ज्यादा बढ़िया है नहीं बाकी आपके सामने स्टैट्स अवेलेबल है एम गुना शेखरा की बात करें वन ऑफ द स्टार प्लेयर था उस टूर्नामेंट का ओपन करता था दो ओवर डालता था आई थिंक सिर्फ एक था था। मैच था जिसमें ये फ्लॉप हुआ था अदरवाइज छः से सात मैचेज हुई थे आई थिंक इसने हर मैच में छह में सात मैच में पांच मैचेस में मैच पचास से ऊपर रन मारे होंगे आई थिंक हाइस्ट नाइन्टी सिक्स रहा था और हर मैच में एक या दो विकेट भी लिया था तो इसलिए आंख बन करके उसको कैप्टन बनाया सोचना नहीं कुछ इसके बारे में और देन आता है यहाँ पे आई जमान आई जमान की बात करें तो ये आपको एक से दो ओवर डालता है। दिख सकता है कंफर्म या एक डालेगा है, दो ओवर डालेगा है, डालेगा और आपको टॉप ऑर्डर में फर्स्ट या सेकंड है से, 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 थर्ड ऑन बैटिंग करता है दिख सकता है आई जमान या फिर नीचे भी सकता है क्योंकि अभी जो ओवर प्लेयर होता वो और भी इंपॉर्टेंट है आगे यहाँ पे यहाँ पे आई जमान को आप टॉप ऑर्डर में बैटिंग करके कंसिडर कर सकते हो यहाँ पे आता है यहाँ पे अनोवर हुसैन इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा देन आता है यहाँ पे आर हस, आर हसन राशिद हसन ने रिसेंट वाले टूर्नामेंट में दो ओवर डालता था और टॉप ऑर्डर में बैटिंग करता था तो इसलिए मैं इसको लेके जा रहा हूँ बॉलिंग के बेसिस पे देन आता है आपके लिए यहाँ पे एन सी टी की टीम से नोमान बाकी तो मैं इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा आपको साथ ही प्लेयर पिक करने यहाँ पे मैं ए मनन के साथ जा रहा हूँ क्योंकि मनन मुझे एक्सपेक्टेड है कि एक या दो ओवर जरूर जरूर डालेगा और रिसेंट टूर्नामेंट में इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था आई थिंक एक आधा विकेट लेके जा रहा था हर मैच में और यहाँ पे बात करें आपके लिए दूसरा एनसीटी का प्लेयर रहने वाला है यहाँ पे बढ़िया एफ़ मिया ये भी आपको एक से दो ओर डालते दिख सकता है एफ मियाँ के साथ जा रहा हूँ मैं देन आपको यहाँ पे आप सात प्लेयर यहाँ पे एनसीटी के कवर हो चुके हैं तो इसलिए मैं आपको मैं ये बोल रहा हूँ आपके पास जो आठों प्लेयर एनसीटी का कंसिडर कर सकते हो वो होने वाला है यहाँ पे आर मज़ूमदार आर मज़ूमदार को ले सकते हो बाकी मैं एनसीटी सी की टीम से आपको कोई और प्रेफर नहीं करने वाला इतना बाकी जो लाइनअप के अकॉर्डिंग एक घंटे पहले लाइनअप आती है कुछ चेंजेस वगैरह होंगे तो मैं आपको डेफिनेटली टेलीग्राम पे आपको मैं अपडेट कर दूंगा इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे अब आते हैं आर आई सी सी की टीम से और डेफिनेटली देख लो एन की टीम ही विन करने वाली है और यहाँ पे आर वाई सी सी की टीम बहुत कमजोर होगी यहाँ पे एन के कंपैरिजन में आर वाई सी सी की बात करें तो आप देख सकते हो आर वाई सी सी की तो

कितना बड़ा बैट्समैन है और आप समझ सकते हो कि जो ढाई रन एक टी मैच में अकेले मार सकता है वो टी मैच में बड़ी इनिंग खेल सकता है कभी भी तो आप मेरे इनकी टीम से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाला है तो ये स्पेशल मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये बात बहुत मतलब आप नोट ये आपको मिलेगी नहीं कहीं सच मारोगे तो आपको ये बहुत अगर आपने पास्ट मैचेस में अगर ध्यान दिया हो तभी आप इन चीज़ों पे ध्यान दे सकते हो देन uh, आता है यहाँ पे इनकी टीम से मुझे जो इम्पोर्टेंट निकल के आता है वो आता है यहाँ पे एस हसन एस हसनैन एस अहमद और यहाँ पे टी बसीर बाकी जगहों तो इतने इम्पोर्टेंट नहीं लगेंगे आपको बैटिंग में थोड़ा एस अहमद बैटर रहेगा तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ एस हसनैन के साथ आप एस अहमद भी ले सकते हो बैटिंग में जा रहा हूँ मैं यहाँ पे मजूमदार तो मैं ले नहीं सकता ए उल्ला और जेड़ अहमद और यहाँ पे आप बॉलिंग में लेके जा रहा हूँ मैं टी बशीर तो फिलहाल मेरी स्मॉल लीग की टेम्प्रेरी टीम ये रहने वाली फाइनल टॉस जो लाइनअप के बाद जो टीम होगी वो टेलीग्राम पे मिलेगी और आप ऐसा कर सकते हो एक बॉलर कम करके ऐसा भी कर सकते हो यहाँ पे अगर बॉलर कम करोगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा विकेट गिरने नहीं वाले है यहाँ पे इसके क्योंकि गुना शेखरा इनका बहुत खतरनाक प्लेयर है भाई ये अकेला मुझे लगता भी नहीं आउट होगा बहुत कम चांस होते हैं इसके आउट होने कैप्टन मैं कर रहा हूँ यहाँ पे गुना शेखरा को बट अगर आपको थोड़ा डिफरेंट करना है उसके ढाई सौ इनिंग की को याद करना है तो यहाँ पे इसने ढाई रन की इनिंग टी मैच में खेली है तो इस बात को ध्यान में रख के आप इसे भी वाइस कैप्टन कर सकते हो आपको गेम चेंजर प्लेयर मिल सकता है बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए तो इसलिए ध्यान रखे चलना ए उल्ला गेम चेंजर वाइस कैप्टन इसे कर सकते हो और बाकी मैं स्मॉल लीग में आप वाई खानो कर सकते हो जो ओपन करेगा और लास्ट आई थिंक इसने भी ऑलमोस्ट सारे मैच में हिट रहा था एक आधे मैच में फ्लॉप रहा था दो वाइस कैप्टन का ऑप्शन यहाँ से ये यह होने वाले ए उल्ला और वाई खान देन आप बॉलिंग में से आप ऑलराउंडर में से किसी एक को ले सकते हो इन तीनों में से और ग्रैंड लीग में भी आपको मैं बोलूँगा कि कैप्टन इसी को ही ट्राई करना ज़्यादा इधर उधर मत देखो वाइस कैप्टन आपको ये 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 पाँच में से ट्राई करने हैं वाइस कैप्टन ठीक है और स्मॉल लीग में बोले तो आप उल्ला वाई खान इनमें से ट्राई कर सकते हो या आई जमान बस तीनों में से कोई है, आपको वाइस कैप्टन करने हैं तो मेरी फिलहाल से मतलब वन ऑफ द बेस्ट सेफ टीम है बाकी स्टैट्स आपके सामने अवेलेबल तो स्टैट्स के अकॉर्डिंग मैं जितने अवेलेबल है मैंने बता दिया कौन से इंपॉर्टेंट है मैंने थम्स अप किए उनके जो स्टैट्स होंगे वो आपको रिसेंट का बताएंगे नहीं पर मैं आपको रिसेंट वाले जो अपडेटेड रिसेंट वाले वोट बताइए मैंने टीम तो मेरा वाइस कैप्टन बता लो मैं, मैं फिलहाल थोड़ा रिस्क लेना चाहता हूँ तो ये कर सकते हो ढाई सौ नहीं है ये बाकी ये भी बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा और विकेट कीपिंग करता हूँ तब तो बहुत बेटर रहने वाला आपके लिए टॉप ऑर्डर में ओपनिंग ये और ये कर सकते हैं फुल चांसेस है देन आ सकता है यहाँ पे आर हसन आ सकता है आई जो आ सकता है और यहाँ पे एस ओ आ सकता है तो फिलहाल और यहाँ पे इनके टीम से जो आई थिंक फर्स्ट डाउन ये आ सकता है मजूमदार बट हम साथ ही प्लेयर ले सकते हैं इसलिए मैं मजूमदार को छोड़ के चल रहा हूँ और फिलहाल मेरी टेम्परी टीम में रहने वाले फाइनल टीम जो होगी आफ्टर टॉस टेलीग्राम पे मिल जाएगी वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक करना मोटिवेशन के लिए बहुत अच्छा लगता है लाइक देख के और चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर रेड बटन नीचे दिखाई देगा उसको दबाना उसको दबाने का घंटी दिखाई देगी बेल आइकन दिखाई देगा उसको दबाना उसको दबाने के बाद उसको दबाने का फायदा यह है कि वीडियो की नोटिफिकेशन या मैसेज आपको सबसे पहले आएगा जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखो और वीडियो के साथ फ्रेंड्स या दोस्तों का शेयर करना चाहो तो कर सकते और वीडियो के कमेंट में कुछ भी क्वेश्चन पूछोगे कुछ भी बोलोगे कुछ भी करोगे तो मैं डेफिनेटली सबका रिप्लाई जरूर दूंगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो बारह हजार दो सौ सब्सक्राइबर्स से बारह हज़ार तीन सौ सब्सक्राइबर्स के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं ग्रैंड लिंग में रैंक वन की फोटो लगेगी मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ जय हिंद दोस्तों बाय बाय